हेलो बच्चों, आज हम लोग बिलियन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल को हम लोग कहते हैं आदर्श बिलियन और नॉन आइडियल को हम कहते हैं अनादर्श बिलियन। देखो, आदर्श बिलियन क्या होता है? आदर्श बिलियन वो बिलियन होता है जो राउल्ट के नियम का सभी ताप और दाब पर पालन करे, तो उसे हम कहते हैं आदर्श बिलियन, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि आदर्श बिलियन के लिए, या कह सकते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट का नियम कहता है कि जो होता है बिलियन का आंशिक दाब जो होता है वो प्रत्येक अव्यय का क्या दाब और मोल अंश, यानी उसके मोल अंश के क्या होता है, गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका भी हम लोग कर लेते हैं तो देखा ये जाता है कि मान लो हम कैलकुलेट करके यानी परिकलन करके मान लो हम निकाले हैं 25 आ रहा है, तो जब प्रयोग किया गया तो भी मान कितना आना चाहिए, 25। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो होगा आपका राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है और ये बिलियन कैसा होगा, आदर्श बिलियन होगा। अच्छा देखो, अब मान लीजिए यहाँ पर देखो, हमने परिकलन करके जब किया तो हमें पी नॉट भी मान लो दिया है 100, और उसको हमने इसका जो काई भी है वो कितना है, आधा है, तो इसका मान कितना जाएगा, 50 आ गया। और जब परीक्षित किया, परीक्षित मान जो आया, प्रयोग किया जो मान आया वो भी कितना है, 50। अगर दोनों तरफ का मान 50 आ रहा है तो इसका मतलब है वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है और वो आदर्श बिलियन है। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, प्रयोग वाला जो मान हो वो परिकलन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे ही हमने जो को परिकलन किया, हमने परिकलन जब किया तो देखो ये आपका पी एस से कितना आया, 25, इससे कितना आया, तो इसका मान लो 25 आया है और इसका कितना आया है, अब दोनों को जब जोड़ा तो कितना आया, 75 आया परिकलन के पश्चात, और प्रेक्षित मान भी कितना आया, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कैसा है, आदर्श बिलियन। प्रेक्षित मान आप जो है प्रयोगशाला में निकालते हो, ठीक है, तब इसका मतलब ये है। परिकलन हम लोग कापी में करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमें इसका मान दिया होता है और इसका मान हम कैलकुलेट कर लेते, बस दोनों को गुणा कर देते हैं, इसका मान मान लो 50 है, इसका मान मान लो 100 है, तो दोनों को जब कैलकुलेट किया तो इसका मूल अंश आया आधा, इसका भी कितना आएगा, आधा, तो दोनों का आधा आधा आया, तो हमने किया तो जब परिकलन किया तो 25 आया, और प्रयोग करके जब देखा, प्रयोग कोई दूसरा कर रहा था, वो इसी उसी बिलियन का प्रयोग कर रहा था कोई दूसरा, तो वो कह रहा था 25 आ रहा है मेरा, तो हमने कहा कि हमारा भी 25 आ रहा है, तो दोनों का क्या कर गया, मैच। अब दोनों का अगर मैच कर गया तो इसका मतलब है कि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, अब वो आदर्श बिलियन होगा। जो बिलियन को लेकर के किया गया है वो बिलियन कैसा होगा, आदर्श, ठीक। अभी उदाहरण बताएंगे कि कौन सा बिलियन होता है जो आदर्श होता है, ठीक है। हमेशा जान लो कि आदर्श बिलियन मिल पाना मुश्किल है, लेकिन लगभग आदर्श बिलियन कह सकते हो उसको, ठीक, लगभग ही होगा। तो ये हमने पहला बता दिया, पहला बिंदु तो ये हो गया। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आएंगे, इसका पहला बिंदु लेंगे, तो इसका पहला बिंदु लेंगे तो ये कहेंगे कि ऐसा बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, जो राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन, नियम का पालन ना करे, ना करे, ठीक। तो ऐसे बिलियन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनादर्श बिलियन। अब अनादर्श बिलियन में क्या हो जाएगा, अनादर्श बिलियन में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। जो पी ए होता है वो बराबर नहीं होगा पी नॉट ए और काई ए के। इसी तरह से पी बी जो होगा वो नहीं बराबर होगा किसके,
पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू काई बी के, यानी ये प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान है और ये कैसा है, परिकलन मान है। इसको कैलकुलेट करके किया गया है और इसको जो है प्रेक्षित करके किया गया है। मान लो हमने परिकलन करने के पश्चात हमने मान लो लेके आए हैं 25 और आ रहा है मान लो 30 या हो सकता है आ रहा हो 20, ऐसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, मैंने इसके बराबर ना आए बस जान लो, कभी कम आ सकता है कभी ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बिलियन, ऐसे जैसे मान लो इसका परिकलन किया तो आया मान लो 50 75 कितना 50 आया, परिकलन किया और इसका देखा गया तो देखा गया इसका 55 भी आ सकता है या तो 45 ये भी आ सकता है, ठीक। तो जो हम सोचे यानी जो गणना करने के पश्चात हमने किया वो नहीं आ रहा है, या तो 55 आ जाए या तो 45 कुछ भी और भी आ जाए, या तो इससे ज्यादा आ जाए या तो इससे कम आ जाए, ठीक है ना, यानी इसके बराबर ना हो, परिकलन वाला मान दूसरा हो और प्रयोग करने वाला मान दूसरा हो। तो जब प्रयोग करने वाला मान दूसरा होगा तब ऐसा बिलियन क्या कहलाएगा, और जब परिकलन वाला मान और प्रेक्षित वाला मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तब वो आदर्श बिलियन होगा, और बराबर होंगे तो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, और जब बराबर नहीं होंगे तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। इसी तरह से हम देखें तो हमने कहा पी कुल जो आना चाहिए वो आना चाहिए पी ए प्लस पी बी के योग के बराबर। तो हमने इसका परिकलन वाला किया, तो परिकलन किया तो हमने देखा 75 आ रहा है, कितना रहा है 75, और जो हमने कुल देखा तो देखा या तो 80 आया और या तो 70 आया, मैंने वो दे रहे हैं आपको मिसाल, ठीक है। तो या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, तो या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, यानी ये नहीं आएगा जो परिकलन में आया है। परिकलन और प्रेक्षित मान अलग अलग आते हैं, अगर दोनों अलग अलग आते हैं तब इसको हम बोलते हैं कि ये राउट का नियम का पालन नहीं कर रहा है और ये बिलियन कैसा हो जाएगा, अनादर्श हो जाएगा। ये अगर आदर्श बिलियन मतलब पालन करे और पी भी ना करे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिलियन यहाँ बोला गया है बिलियन पूरा पालन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब पीए करे और पीबी ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दोनों करेगा, करेगा तो दोनों करेगा, नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अवयव करे और दूसरा अवयव ना करे, बिलियन में दो ही तो होते हैं लगभग, ज्यादातर हम दो ही का लेते हैं, तो पीए और पीबी दोनों का क्या होता है, अगर हम देखते हैं अगर दोनों आपका कर रहा है तो आदर्श बिलियन है, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। सर ऐसा हो कि कोई आदर्श बिलियन है उसमें एक अव्यय डाल दे वो मतलब राउल्ट के नियम का पालन ना करे तब क्या? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि आपने कहा एक अवयव ऐसा है, तो पहली बात तो यहाँ बिलियन की बात की गई है, तो ऐसा कोई बिलियन ही हम नहीं लेंगे कि जो आदर्श ना हो, या हम ऐसा बिलियन ले लेंगे जो अनादर्श हो। अगर उसमें एक भी अवयव, पहली बात तो जब राउल्ट के नियम का पालन की बात होती है तो बिलियन की बात होती है, वहां एक एक अवयव की बात नहीं होती है, है ना, एक एक अवयव की बात नहीं होती है, वहां आपका ए और बी दोनों पालन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि एक अवयव करेगा दूसरा अवयव ना करे, ऐसा नहीं। दूसरा देखो क्या हो गया, मान ले दो अवयव लिया गया है, हमने कहा दूसरा जो डेल्टा बी मिक्सिंग होगा, डेल्टा मिक्सिंग बी लिख दो ज्यादा सही है, डेल्टा मिक्सिंग बी, एम लिखा है एम आई एक्स, मिक्स का मतलब मिश्रण, या डेल्टा मिश्रण लिख दो ज्यादा सही है, डेल्टा मिश्रण बी, मिश्रण ऐसे होता है, ठीक, डेल्टा बी मिश्रण जो आना चाहिए अगर वो जीरो आ रहा है, मतलब समझो बी फाइनल माइनस बी ए प्लस बी बी,
अगर ये आ रहा है कितना, शून्य। अगर ये शून्य आ रहा है तो इसका मतलब है आदर्श विलयन होगा। समझो बात को, इधर सुनो, इधर सुनो बात को। मान लीजिए कौन बी, पूरा बी वॉल्यूम आयतन, ये है आपका, जब जो है मिला दिया गया है, जब कुल विलयन मिला दिया गया है उसका आयतन है ये। ये बी आपका, सुनो एक चीज, हम मान लीजिए, मान लीजिए कोई ए विलयन है, ए कोई विलयन कर रहे हैं, ए अवयव है, उसका आयतन मान लो है 50 मिलीलीटर। कितना है? 50 मिलीलीटर। और जब हमने बी वाले में मान लो उसका है 100 मिलीलीटर है, कितना है? अब इन दोनों को मिलाने पे कितना होना चाहिए? 150। हमने देखा प्रयोग के पश्चात, तो देखा तो हमने कहा ये तो भैया 150 आ रहा है, इसका दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है? ये परिकलन के पश्चात है, किसके पश्चात? और जब प्रेक्षित किया गया, तो प्रयोग किया गया तो देखा गया कि इसका कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। तो 150 में से 150 गए, कितना बचा? 0। यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लो 100, मान लो ढक्कन गिर गया, अब मान लो जो है 100 ml हमने B लिया है और 50 ml A लिया है, दोनों का आयतन मान लो इतना है, ठीक, 100 ml B का है और 50 ml, और दोनों को जब हमने एक दूसरे में मिलाया तब हमने देखा, अरे हमने वैसे बोला, हमने कहा हमने 100 मिलाया है, इसमें 50 मिलाया है, कितना हो जाएगा? 150। और जब देखा प्रेक्षित के पहुंचा तो देखा गया 150 आ रहा था, तो हमने कहा रे वाह, अब तो दोनों में तब मिल गया। ऐसा हम तो हमेशा सोचते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि जब 150 मिलाया है तो 150 होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आयतन के केस में ऐसा, अगर यही द्रव्यमान होता तब तो हमेशा लगता कि जितना आप जो है 50 ग्राम ये लिए होते, 100 ग्राम ये लिए होते, तो हमेशा कितना आता? 150 पक्का। क्यों आपने पढ़ा है? क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जितना अभिकारक की ओर द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही उत्पाद की ओर होना चाहिए। तो 150 आया इसका, तो उत्पाद का भी कितना आएगा? 150 पक्का। प्रेक्षित मान भी कितना आएगा? 150 आएगा। लेकिन अगर आयतन में भी ऐसा हो जाता है, जो कि होना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, कम चांस है कि 150, अगर हम 50 और 100 ml मिला दे वो 150 हो जाए, और इसका मान भी कितना आ जाए? 150 आ जाए, इसका होना बहुत मुश्किल है, या तो 150 से कम आएगा या तो 150 से यहाँ हो गया, क्योंकि वो विलयन कैसा ठहरा? अगर आदर्श विलयन है तो, आदर्श विलयन वैसे मिलना क्या है? कठिन है। लेकिन अगर हम ऐसा उदाहरण बताएंगे आपको जो कि आदर्श विलयन होगा, तो अगर डेल्टा मिश्रण या डेल्टा मिश्रण भी जो है 0 आ रहा है, यानी कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन जो आ रहा है किसके बाद? मिश्रण के पश्चात अगर आयतन में परिवर्तन आ रहा है 0, यानी कोई परिवर्तन, जितना 150 हमने मतलब 50 और 100 ml लिया, 150 बना, प्रेक्षित मान भी कितना आया? 150। अगर दोनों का 150 आया है तो इनका अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 आया। ऐसे ही अगर डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा मिश्रण जान लो इसको लिखते हैं, डेल्टा मिश्रण बी, ये आपका जो है बी एफ नॉट माइन, मतलब जो है बी ए प्लस बी बी हो, यानी कि इसके बराबर, यानी परिकलन मान जो आना चाहिए और प्रेक्षित मान जो आना चाहिए वो अलग अलग आए। मान लो हमने क्या कहा है,
परिकलन के पश्चात हमने कहा ये 50 लिया है और ये कितना लिया है, तो कितना होना चाहिए, तो ये जानते हो कितना आया, या तो 155 आ गया या तो 145 आ गया। एक उदाहरण खाली दे रहे हैं, हो सकता है 149 आ जाए या तो 152 आ जाए। नहीं आता है, यही तो बात है। ज्यादातर बिलियन जो होते हैं वो अनादर्श बिलियन होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था, ये बताओ कभी भी आदर्श क्रिस्टल प्राप्त हो सकता है? आदर्श क्रिस्टल नहीं प्राप्त हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष जरूर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जैसे आप खुद ही आदर्श नहीं हो, हम खुद ही आदर्श नहीं, क्या हम पूरा केमिस्ट्री जान के नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको सब कुछ आता हो, किसी के बारे में सब कुछ आता हो। अभी मान लीजिए उसका जेई का या नीट का कोई प्रश्न आ जाए, मान लीजिए नहीं कर पाए, तो सर जी जान लो नहीं आता है वही, मतलब अरे हो सकता है आपको आता हो, हमें ना आता हो। ठीक है, तो फिर इसका आएगा, लेकिन अगर अनादर्श बिलियन है तो उसका नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और ज्यादातर बिलियन अनादर्श होता है। जब हम मिलाते क्यों नहीं आता, उसका रीजन आपको अगले उसमें पता चल जाएगा। हाँ, अगले पॉइंट में पता चल जाएगा। हाँ लिख लीजिए इसका। ठीक है, ये आकर्षण बल के ऊपर होता है सर। आकर्षण बल कभी कभी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ये जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता। अगर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये जो है अनादर्श बिलियन है। जैसे उदाहरण करके लिखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ए और ए जो अणु है, इनके बीच आकर्षण बल क्या लिखते हैं, अनून क्रिया, या आकर्षण बल ही लिखते हैं, अनून क्रिया का होता है। ए ए के बीच में जो आकर्षण बल है वो बराबर होगा बी बी के आकर्षण बल के, बी बी के आकर्षण बल के, और वो बराबर होगा जब बिलियन बनेगा तो बताओ किसके बीच में आकर्षण बल होगा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आकर्षण बल होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। हाँ हाँ हाँ, जब हमने विलायक लिया तो उनके उसमें किसके किसके बीच में आकर्षण बल था, ए के बीच में, ए के बीच में आकर्षण बल था, यानी तोड़ने में जो ऊर्जा देने पड़ रही थी, मान लो 100, अरे चलो भी नहीं बताएंगे, आकर्षण बल इसका और इसका आकर्षण बल और इसका आकर्षण बल, तीनों का आकर्षण बल क्या है, बराबर है। अगर तीनों का आकर्षण बल बराबर है तो कैसा बिलियन, और अगर नहीं है तो ए ए नहीं बराबर बी बी और नहीं बराबर ए बी, अगर ऐसा हो रहा है तो ये आदर्श बिलियन नहीं है, अनादर्श बिलियन है, बराबर नहीं है। हाँ ऐसे लिख लीजिए। यहाँ आकर्षण बल लिख लीजिएगा। आकर्षण बल आकर्षण बल डेल्टा मिश्रण एच
जिसको कहते हैं ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। अगर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, मान लो ऊर्जा में परिवर्तन, मान लो क्या लिख दें, एच आई और एच एफ, यहां पहले बाद में हो गए, ठीक है। जो एड आई का मतलब होता है ऊर्जा का, क्या कर रहे हैं, ऊर्जा जब दी जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, उष्मा शोषी, शोषी उष्मा शोषी, ठीक, उष्मा शोषी। और ये होती है ऊर्जा उष्मा छेपी, अगर जितना दिया है उतना ही मिल जाए इसको, तो इसका मतलब है कि ये आदर्श विलयन है। इसका मान कितना होना चाहिए, शून्य, कोई परिवर्तन ना हो। सुनो इधर, मान लो हमने इसको तोड़ने में, देखो जब विलयन मिलेंगे आपस में, या कह सकते हो दो अवयव मिलेंगे आपस में तो विलयन बनाएंगे, तो जब आपस में मिलेंगे तो आपको पता है ए के बीच में आकर्षण बल था, यहाँ बी बी के बीच में आकर्षण बल, जब दोनों मिलेंगे तो किसके बीच का आकर्षण बल, यानी इसका मतलब इनके बीच का बंध टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा ना, और जब टूटेगा तो इसका मतलब तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी नहीं, तोड़ने, बंध को तोड़ने में ऊर्जा देनी पड़ती है, और नया बंध बनता है तो ऊर्जा दे जाती है, मतलब वो ले लेता है, ठीक है, देनी पड़ती है और वो खुद दे देता है, समझे। अब अगर इसको तोड़ने में मान लो हमने दिया कितना जूल, 100 जूल, और इसको तोड़ने में मान लो हमने दिया 75 जूल, कितना दिया, 75 जूल, हाँ, अरे नहीं नहीं वो बता रहे, चलो 100 मान लो, चलो इसको भी मान लो 100, कोई जरूरी नहीं है बात है, अगर 100 जूल इसको दिया, 100 जूल इसको दिया, तो ये हमें उठा के कुल कितना दे दे, अगर ये 200 जूल दे दे, क्या दे दे, 200 जूल दे दे, तो 100 दिया है, 100 मतलब दोनों को 100-100 दिया था, और ये कितना उठा के दे दिया, अगर 200 दे दिया है तो 100-100 दोनों जोड़ो, 200 दिया है और उसमें से 200 इसने हमें दे दिया है वापस, तो इसका मतलब 200 में से 200 में कितना बचा, 0, तो इसका मतलब ये बिलियन कैसा होगा, आदर्श। आप बीच में लिखो, ये चाहे ना लिखो, आप लिख दो डेल्टा बी मिश्रण 0 है तो आदर्श, और डेल्टा एच मिश्रण 0 है तो आदर्श, और अगर डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा मिश्रण एच, ये आपका देख लो, इसको मान लीजिए, सुनो इधर, ये बराबर ना लिखो, बराबर ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं, मान लो इसको 100 जूल दिया था, सुन लो, इसको 100 जूल दिया था, और इसने दांतों कितना वापस किया, या तो इसने वापस किया है 100-100, 200-205, और या तो ये वापस किया है 195, या तो ये ज्यादा वापस कर दिया है, या तो ये कम वापस किया है, या तो ये ज्यादा वापस किया है, और या तो कम वापस किया है, वापस ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नया बंध बन रहा है, तो वापस ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी के बीच में बंध तो बन रहा है ना, ए और बी के बीच में जब नया बंध बनता है तो उष्मा क्या होती है, निकलती है, अब जब उष्मा निकलती है तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा देगा, चाहे कम देगा और चाहे उससे ज्यादा दे देगा, तो अगर ज्यादा दे देगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच आई जो है और माइनस एच एफ 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ज्यादा होगा मिश्रण जी 0 से कम होगा, ये पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया, जी है जी बता रहे हैं, हाँ
चौथा तो समझ में आया, पांचवा देखो, पांचवा लगाया है ना, हाँ है, पांचवा देखो, पांचवा देखो आप, डेल्टा मिश्रण एस, इसको एस को बोलते हैं इंट्रापी। इंट्रापी का मतलब होता है रैंडमनेस। कहोगे सब अंग्रेजी बता रहे हैं सर जी, रैंडमनेस का मतलब होता है कि ये बताओ, हमेशा जब देखो ए के अणु कम रहते हैं और बी के अणु भी कम रहते हैं, अब दोनों मिला दो के तो ज्यादा अणु हो जाएंगे नहीं। मान लो छात्र यहाँ पे पांच लोग हैं, उस कमरे में पांच लोग हैं, हमने कहा सबको इकट्ठा करो, बताओ भीड़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना, तो हमेशा जीरो से ज्यादा ही होता, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पहले पांच लोग थे, फिर वहां से भी हमने पांच छह लोग को मंगा लिया, तो भीड़ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? भीड़ हमेशा बढ़ती है, तो कभी भी जीरो मान परिवर्तन नहीं आ सकता। एंट्रोपी का मतलब यही होता है कि भीड़ कितना हो गया, हमेशा जब बिले विलायक को मिलाओगे तो भीड़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं नहीं, भीड़ होती है जब आपके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। भीड़ क्या होती है? अणुओं की संख्या बढ़ जाए। तो बताओ ए के अणु मान लो कम है, बी के अणु कम है, जब दोनों जगह कम कम थे और दोनों को हमने मिक्स कर लिया, तो बताओ बढ़ गए नहीं बढ़ गए? बढ़ तो जाएंगे ही ना, हर बार बढ़ेगा, ठीक, तो ये बढ़ जाएगा हमेशा, ठीक। जी क्या है? इसको बोलते गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स एनर्जी ऊर्जा बोलते हैं। गिब्स गा, गा पर छोटी की मात्रा, और बा उसका गिब्स, ठीक। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये सब थोड़ा सा इलेवेंथ में था हल्का, हाँ वो है ही है उसका। गिब्स जो है वो वैज्ञानिक थे वहां के, ठीक है ना, जर्मनी के थे जान लो, ठीक। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये क्या होना चाहिए? वो जीरो से कम होना चाहिए। तो चाहे इसके लिए हो चाहे इस, दोनों के लिए सेम है एकदम। इसमें जीरो से ज्यादा, इसमें जीरो से कम, बस यही अंतर किसमें होता है? जो शुरुआत के चारों होते उसमें अंतर होता है। अगर इसका मान मतलब इसमें जो है सब आकर्षण बल समान हो तो आदर्श विलयन, डेल्टा एच का मान जीरो हो तो आदर्श विलयन, इसमें डेल्टा एच का मान जीरो ना हो, और ये दोनों का आकर्षण बल इसके आकर्षण बल के क्या हो? अलग। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? अनादर्श विलयन हो गया, ठीक। उदाहरण देते हैं आदर्श विलयन का। उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि बताइए कौन कौन से विलयन है जो आदर्श है। तो सातवां है उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है बेंजीन और टालुइन। बेंजीन और टालुइन, बहन जी और टालुइन, मायावती नहीं जी, मैं बेंजीन और टालुइन, बेंजीन और टालुइन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? आदर्श विलयन का उदाहरण। एक पहला ये हो गया, और दूसरा उदाहरण इसका दे दें तो ये होता C2H5Cl और C2H5Br, ठीक। और तीसरा एक अंतिम, यही यही तीन तो काफी पूछा जाता है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों जो है, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन प्राप्त होता है। मिलता है, ये लगभग है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगभग मान लो है भी। अनादर्श का हम जब दो भाग करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन का फार्मूला बताओ, हेक्सेन का फार्मूला बताओ, हाँ देखो बता दिए,
और सी सात एच 16, ये क्या हो गया? एन हेप्टेन हो गया। हाँ अल्केन वाला, एन मतलब नॉर्मल वाला है, चैन वाला वो ऐसा नहीं, एकदम सीधी श्रृंखला वाला है, नॉर्मल वाला है। सीधी श्रृंखला वाला जो है उसको हम बोलते हैं एन हेप्टेन। अगर सात का सीधे श्रृंखला वाला है तो एन हेप्टेन। कहाँ? C2H5। हाँ एक Cl है एक Br है, आपने पढ़ा होगा। फिर कल बाहर आई एंटी है ना, तो एक एक करके अगर आता है अंतर आता है तो ज्यादा अंतर ना हो इनमें। अगर ज्यादा अंतर नहीं होता है तब तो आदर्श है, और बहुत ज्यादा अंतर हो भार में तब वो अनादर्श हो जाएगा। यही तीन याद रखो, बहुत है, यही तीन आदर्श विलयन आप याद भी रखो, ठीक है? हो गया, लिख चुके पूरा? चलो अब आते हैं अनादर्श विलयन पर। अब कहोगे अनादर्श विलयन का उदाहरण तो आपने बताया नहीं, तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी प्रकार आएगा, चाहे चांदा आए चाहे प्रकार आए, प्रकार आएगा, पढ़ना है पढ़ना है। आदर्श के प्रकार नहीं है, आदर्श के प्रकार नहीं, आदर्श आदर्श एक होता है। चलो अब अनादर्श विलयन के पहला होता है राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। कौन विचलन? धनात्मक विचलन, विचलन धनात्मक विचलन। और दूसरा क्या है? राउल्ट नियम से, राउल्ट के नियम से, के नियम से ऋणात्मक विचलन। इसके बाद खाली हेनरी का नियम बचेगा बस। अब बस इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं करिए भी। धनात्मक विचलन क्या होता है? देखो अभी हमने बताया था कम या ज्यादा हो सकता है, बताया नहीं था यहां पे। देखो पहला क्या है, P धनात्मक विचलन अगर होता है तो PA ज्यादा हो, इधर देखो PA ज्यादा हो, यानी जो प्रेक्षित मान आए वो ज्यादा आए, प्रेक्षित मान ज्यादा आए, और P नॉट A इंटू काई A क्या हो जाए? कम आए, परिकलन मान क्या आ जाए? कम आ जाए। मान लो हमने कितना लिया है, हमने कहा है प्रेक्षित मान, परिकरण मान जो आ रहा था वो 50 गुणे आधा कितना आ रहा था, और इसका जो प्रेक्षित मान आ रहा है मान लो 30 आ रहा है, ज्यादा आ जा रहा है, मैंने प्रयोग करने के पश्चात जो वाष्पदाब बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है, लेकिन जब हमने इससे निकाला परिकलन के पश्चात तो क्या आ रहा है, मैंने 25 आ रहा है, कम आ रहा है, और ये ज्यादा हो जा रहा है। अगर ये ज्यादा है तो धनात्मक विचलन, और कम है तो ऋणात्मक विचलन। P नॉट A कम होगा P नॉट A इंटू काई A के, PA जो होगा कम होगा P नॉट A काई A के, मतलब जो परिकलन मान होगा, परिकलन मान कितना है मान लो इसका, इसका भी क्या बोला था 50 गुणे आधा कितना हो रहा है 25, और इसका जो मान आ रहा है मान लो कितना रहा है 20 आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही काई बी, मैंने काई बी वाला पी बी ज्यादा होगा पी नॉट बी इंटू काई बी के, ये परिकलन वाला है और ये कैसा है, प्रेक्षित वाला है। परिकलन वाला जब हमने किया
तो अगर परिकलन वाला हमने किया तो मान लो 100/2 किया, आधा 100/2 तो कितना आ जाएगा 50। इसका हमने प्रेक्षित मान देखा तो कितना आ रहा था 55 आ रहा था। और इसमें जब किया हमने पी नॉट बी कम आ रहा है, पी नॉट ए ओ पी नॉट बी इंटू काई बी के, यानी परिकलित जो मान आ रहा है यानी परिकलन के पश्चात जो मान आ रहा है वो आ रहा है कितना 100 × 50 कितना हो गया 50। और इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो कैसा विलयन हो गया, राउल्ट नियम से अनादर्श विलयन में कौन सा वाला, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन, यानी वास्तव यहाँ कम बन रहा है, यहाँ वास्तव वास्तविक रूप में कम है, क्योंकि वास्तविक रूप तो प्रेक्षित ही होता है ना, हम जो गणना करके करते हो सकता है गलत, हमेशा गणना करके सोचते हैं आदर्श विलयन ही प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है अनादर्श विलयन हो, अनादर्श विलयन में हो सकता है ज्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला। इसमें एक और चीज देखो, जो पीटी आएगा पी कुल वो ज्यादा आएगा पीए और प्लस पीबी के योग के, यानी जब हमने परिकलन किया तो हमने सोचा कितना आना चाहिए 25 और 50 कितना होता है 75 आना चाहिए, 25 और 50 कितना आना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको देखा तो इसका आ रहा था 80, कितना आ रहा था 80। अगर 80 आ रहा है तो ज़्यादा आ जाएगा, और अगर पी कुल जो आए वो कम आए पी नॉट पी मतलब पी ए से प्लस पी बी से, ये आपका क्या है परिकलन मान, परिकलन मान कितना आ रहा है 25 प्लस 50 कितना आ रहा है 75, और इसका कितना आ रहा 70 आ रहा है। ये है परिकलन वाला, ये प्रेक्षित वाला है, ये भी प्रेक्षित मान है। ये ऐसा टॉपिक है कि जल्दी समझो नहीं आता है, लेकिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बस ये समझ जाओ कि जो है अगर जो हम कर रहे हैं वो चीज आ जाए तब तो आदर्श, क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल लगाते हैं सब आदर्श मान के चलते हैं, हम सोचते हैं 25 आया है इसका, इसका 50 आया है, दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 75, लेकिन 75 नहीं आता है, कभी 75 से ज्यादा आता है, कभी 75 से कम आता है। बस तीन बिंदु और है इसका, इसके बाद उदाहरण है, बस खत्म हो जाएगा, ग्राफ व्राफ कल बताएंगे इसका। लाइट का तो समझ नहीं आ रहा है कि 4 बजे जब जा, मिश्रण बी अगर 0 से ज्यादा आ जाए, अगर डेल्टा मिश्रण बी 0 से ज्यादा आ जाए तो धनात्मक, और डेल्टा मिश्रण बी अगर 0 से कम आ जाए तो ऋणात्मक, ठीक है। और तीसरा देखो, डेल्टा मतलब इनके बीच में तीसरा वाला ये आधार था ना, ए ए बी बी आकर्षण बल लिखा है, आकर्षण बल, आकर्षण बल जो ए के बीच में आकर्षण बल हो, इसके बीच में आकर्षण बल हो और ए बी के बीच का आकर्षण बल कम हो, यानी बहुत ज्यादा भाप बना रहा है, अगर आकर्षण बल कमजोर होगा तब भाप ज्यादा नहीं बनाएगा, तो ये अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन में आ जाता है, ठीक है।
अगर ए ए का आकर्षण बल और बी बी का आकर्षण बल ज्यादा होता है ए बी के आकर्षण बल से, यानी जो बिलियन बना है उसका आकर्षण बल कमजोर है, और कमजोर है तो इसका भाप क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। ऐसे इसका तीसरा उल्टा कर देना इसको, ए ए बराबर बी बी आकर्षण बल लिख देना, आकर्षण बल, आकर्षण बल किसके होगा, ये ज्यादा होगा आकर्षण बल आपका ए बी का, ए बी का आकर्षण बल ज्यादा होगा। इस बार जब आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अणु जो है ऊपर जा ही नहीं रहे, कम भाप बन रहा है, तो यहाँ कम कम इसलिए मान आ रहा है, कम भाप बन रहा है इसीलिए जो परिक्षित मान आ रहा है वो कम कम आ रहा है। हम सोच रहे थे कि उसका उतना आना चाहिए लेकिन आ रहा है कम, बस अंतिम है, इसके बाद उदाहरण बस खत्म। हाँ अब ये तो जाओ पापा से पूछो, बस हो गया, हो गया, बस हो गया, हो गया, खत्म है। देखो चौथा देखो, डेल्टा मिश्रण एच जो हो, एच जो हो वो जीरो से ज्यादा आ जाए, यानी धनात्मक आ जाए, कैसा मतलब, इसका मतलब जो मिश्रण एच आए वो कैसा आ जाए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब धनात्मक विचलन है। और अगर डेल्टा मिश्रण एच एच अगर जीरो से कम आए, मतलब डेल्टा मिश्रण एच ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब है ऋणात्मक विचलन है, ठीक। इसके बाद पांचवा उदाहरण लिख लीजिए, बस उदाहरण। एथनॉल और जल, एथनॉल और जल, बेंजीन और जल, टालुइन और जल, ये तीन उदाहरण इसका बता दिया, और इसका उदाहरण तीन लिख लो बस। सी एच सी एल थ्री प्लस सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुखाने वाला, और ये है एसीटोन, और HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, हाँ हाँ जल, HNO3 प्लस वाटर, बस तीन उदाहरण, चार उदाहरण इसका, बस हो गया इतना, हाँ बस, हाँ ठीक बोल दें, आज बंद ही नहीं हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो आज हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श बिलियन पढ़ा, जिसमें से हमने उसको उदाहरण भी आपको बता दिया, अनादर्श बिलियन का धनात्मक विचलन और यहाँ पे ऋणात्मक विचलन राउल्ट नियम से बता दिया आपको। अनादर्श बिलियन के दो प्रकार होते हैं, मतलब आदर्श और अनादर्श विलियन यहाँ पे समाप्त होता है। अब केवल इसका बचा रहेगा ग्राफ, जो कि हम बताएंगे आपको कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।